राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इंद्रेश पीओके और पाकिस्तान को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। आरएसएस नेता ने कई साल पहले ही कहा था कि पीओके भारत से मिलना चाहता है। अब एक बार फिर इंद्रेश कुमार अपने पुराने बयान को ताज़ा करते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान से अलग होकर भारत का हिस्सा बनना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इंद्रेश पीओके और पाकिस्तान को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। आरएसएस नेता ने कई साल पहले ही कहा था कि पीओके भारत से मिलना चाहता है। अब एक बार फिर इंद्रेश कुमार अपने पुराने बयान को ताज़ा करते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान से अलग होकर भारत का हिस्सा बनना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इंद्रेश पीओके और पाकिस्तान को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। आरएसएस नेता ने कई साल पहले ही कहा था कि पीओके भारत से मिलना चाहता है। अब एक बार फिर इंद्रेश कुमार अपने पुराने बयान को ताज़ा करते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान से अलग होकर भारत का हिस्सा बनना चाहता है।